डिक्टेटरशिप को ले जाती है कनाडा वैनेडा में, वो इस हिसाब से रह नहीं पाते वहाँ पे। इंशाल्लाह जरूर रिकॉर्ड तोड़ेगी, इससे बढ़िया मैंने कोई मूवी नहीं देखी शाहरुख खान की। क्या सर, लाजवाब लाजवाब, बेहतरीन मूवी, और मेरे ख्याल से सबको देखनी चाहिए। एक बेहतरीन मैसेज दिया है हमारे हिरानी साहब ने, बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है। यस सर, अरे बिल्कुल गलत करते हैं सर, एक बार मूवी देखेंगे बाइकआउट करना ही छोड़ देंगे। इस वक्त मैं गिलाज सिनेमा में मौजूद हूँ, यहाँ डंकी फिल्म शाहरुख खान की लोग देख के निकल रहे हैं। आज लोगों से पता करते हैं कि फिल्म कैसी लगी, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी ये फिल्म? बढ़िया फिल्म है, मस्त, बढ़िया, कैसी लगी फिल्म? मस्त, बहुत मस्त, बेकार, बिल्कुल बेकार, सुपर हिट है फिल्म, सुपर हिट। तो आई बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी, शाहरुख का पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है, इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन। डंकी नहीं मारनी, देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। डिलाइट से बोरिंग बोरिंग बोरिंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर हिट है, बढ़िया, ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर, बहुत बढ़िया फिल्म है, अच्छी लगी, अच्छी। तो देख सकते हैं लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं फिल्म जो है सुपर हिट है। फिल्म जबरदस्त, मजा आ गया। क्या स्टोरी था फिल्म? स्टोरी बड़ी बेहतरीन है, और बिल्कुल ये है जो आज से कुछ 100 साल पहले जो बाहर जाने की इच्छा करते थे ना, अब वो नहीं जाएंगे, अपने देश में रहेंगे और अपने देश में कमाएंगे। हाँ, ये मैसेज दिया है शाहरुख खान ने कि अपने देश में रहेंगे, कभी बाहर जाने की। एक्टिंग कैसी लगी शाहरुख खान? शाहरुख खान की एक्टिंग तो लाजवाब है, वो पैदा ही एक्टिंग के नहीं हुआ है, दिल्ली का लड़का है, मुंबई में राज कर रहा है। क्या लगता है एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म? एनिमल का भी रिकॉर्ड बन गया, तो बिल्कुल बकवास फिल्म थी, ना पब्लिक के देखने की थी, ना फैमिली के देखने की, पता नहीं। फिर भी कमाल रही फिल्म। नहीं तो ये आज का, इसका आज का ही 100 करोड़ का होगा, और फिर उसके बाद जो है ये 1000 करोड़ को टारगेट देगी, देख लेना, पूरे 1000 करोड़ को टारगेट देगी, 1000 करोड़ का टारगेट लाएगी ये। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर शाहरुख खान की डंकी फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है, और यहाँ इस वक्त डिलाइट सिनेमा पुरानी दिल्ली में मौजूद हूँ। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि फिल्म कैसी लगी। रियल रियल कहानी, रियल एकदम, लोग यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखकर निकल रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं लोगों से। शाहरुख खान क्या कहेंगे? पूरा 100 स्टार। हाँ, ऐसा क्या लग गया फिल्म? क्योंकि शाहरुख खान तो बेस्ट है। लोग ये कह रहे हैं कि लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। हाँ, उसमें वो जब उसका डेथ हो जाता है तो वो जो सर पे केरोसिन डाल के आग लगा लेते हैं ना, तो उस टाइम पे इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत बढ़िया मूवी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कॉमेडी थी जो, एक नंबर कॉमेडी भाई, कॉमेडी बहुत बढ़िया कॉमेडी थी, और शाहरुख खान ने जो आया था ना एंट्री मारी थी बहुत बढ़िया, जो लंदन गया था डंकी मार के, वो बहुत बढ़िया लगा सीन। और लोगों से बातचीत करते हैं कि फिल्म कैसी लगी डंकी फिल्म, क्योंकि इस वक्त डंकी के साथ साथ सलार फिल्म भी रिलीज हुई है, सलार को भी काफी पसंद किया जा रहा है, और देखना ये है कि क्या लगता है कि डंकी इस साल की जो है सुपर हिट रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छी फिल्म है, एक टॉपिक बहुत अच्छा है सर। हाँ, बहुत कैसी लगी फिल्म? बकवास थी, बकवास, बढ़िया थी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी, पिट गई। क्या अच्छा लगा? जिस हिसाब ने शाहरुख खान ने 2023 में ओपनिंग की थी पठान और जवान के साथ, उस हिसाब उसके बराबर भी नहीं, 50% भी नहीं है। फ्लॉप तो नहीं, फ्लॉप तो बजट तो इसका 100 करोड़, 400-500 करोड़ तो पहुंच ही जाएगी, उससे हिट हो जाएगी। कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है काफी पसंद कर रहे हैं डंकी फिल्म को, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि सलार फिल्म जो है इस डंकी मूवी को पछाड़ देगी। देखना ये है कि आज पहला दिन है, सलार नहीं तोड़ पाएगी, सलार नहीं तोड़ पाएगी इसकी रिकॉर्ड, नहीं तो 240 करोड़ बजट है सलार का,
उसमें 200 करोड़ प्रभास को दे देता है, 40 करोड़ कोयला में खर्च कर दिया है। पूरा जो सिनेमेटोग्राफी स्टोरी गायब है, वो हीरो है स्टोरी उसका, जो इतने साल से देखने रहे स्टोरी है, स्टोरी देखो पूरी फिल्म में स्टोरी है और समझ में आएगी फिल्म। और डंकी में मेन हीरो स्टोरी है, जो स्टोरी पसंद करते हैं वो देखने आए इसको। जी बहुत बढ़िया थी सर, अच्छी स्टोरी कैसी थी? स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। कह रहे सलार फिल्म जो है इस फिल्म को पछाड़ देगी, क्या लगता है? यार देखो सलार एक एक्शन फिल्म है और ये एक फैमिली फिल्म है, इसमें मैसेज है, मैसेज है। क्या मैसेज दिया है? कॉमेडी बढ़िया है, इसकी स्टोरी बढ़िया है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, देखना ये है कि क्या लगता है कि साल की जो है सब में बड़ी फिल्म साबित होगी ये डंकी। मैं उनकी मिस कर रहा हूँ, वो नहीं आई इस फिल्म में, मेरे को तो नहीं लगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। और भाई कैसी लगी? बढ़िया थी भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया। नाइस मूवी, जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा शाहरुख खान की एंट्री। अब बाकी लोगों की एक्टिंग तो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, क्या लगता है कि अच्छी मूवी है? नहीं पता है क्या, मैं एक ओवरसीज काउंसलर हूँ, तो मेरा काम है स्टूडेंट्स को वीजा लगवाना। मैडम क्या लगता है साल के सब में बड़ी हिट होगी फिल्म? हो सकती है शाहरुख खान की, तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी पसंद कर रहे हैं लोग फिल्म को। अरे यार लास्ट में तो एकदम इमोशनल कर दिया यार, आप सब देखने जाओ, वर्थ इट है मूवी। लगता है साल की सब में बड़ी ये फिल्म रहेगी? बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिलाइट सिनेमा में लोग फिल्म देख कर निकल रहे। मैडम सर स्टोरी के साथ लाइन में रख के जो मैसेज दिया है सोशल मीडिया, एक फनी ह्यूमर के साथ बहुत अच्छी है। और डायरेक्शन के मामले में पीके मुन्ना भाई छोड़ दीजिए, उस डायरेक्टर के हिसाब से यार मैं ऐसे बहुत इतनी पुरानी मूवीज के आगे मैं कंपेयर ऐसे नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने पीके अगर एक बार देखी तो उसे 100 बार देखूंगा, पर हाँ ये भी है कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ उसे तो देखना प्रेफर करूंगा। क्या लगता है भाई साल की सब में बड़ी हिट होने वाली है ये फिल्म? नहीं साल की सबसे बड़ी हिट तो नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट वाइज देखोगे कंटेंट अच्छा, उन्हीं लोगों को इतना समझ आएगा जो लोग करते हैं काम, जो लोग कुछ एक रियल कंटेंट देखना चाहते हैं। साल की सबसे बड़ी हिट नहीं है बोल रहा हूँ पिक्चर में, मतलब जो टाइम पास जो ठीक मतलब ठीक से नहीं होता, जो राजू ईरानी जी करते हैं ना वो इस फिल्म में थोड़ा मिसिंग था। मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता नहीं सकता, और नून शो देखता हूँ उनकी फिल्म कोई भी, और इतना वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो पिक्चर को घुमा देते हैं 2 मिनट में, तो इसमें बस वो मैसेज दिया है कि आप ये डंकी ना मारें। डंकी का मतलब यही कि पासपोर्ट से जाएं, बाहर कहीं भी जाना है आपने तो ऐसे ना जाएं, बस वो एक मैसेज दिया है।